दीपावली के अवसर पर लोग आतिशबाजी करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन लगता है कि छतरपुर में पटाखा विक्रेताओं के ऊपर ग्रहण लगने जैसा लग रहा है। हम बताते हैं फुटकर पटका विक्रेताओं की, जिन्होंने छतरपुर कलेक्टर को अवैध वसूली को लेकर ज्ञापन सौंपा। सभी का आरोप है कि महाराजा कॉलेज प्रबंधन समिति के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। हम लोगों से डबल चरम करके शुल्क वसूला जा रहा है। किस तरह से? एक तो हम लोग पटाखे के लिए पट्टा निर्धारित करने के लिए वहाँ पे महाराजा कॉलेज में प्रोसेसिंग शुल्क 2500 रुपए लिया जाता है। इसके साथ ही साथ महाराजा कॉलेज वाले हम लोगों से प्रोसेसिंग शुल्क जो डबल हो रहा है 1500 रुपए अलग से वसूल करते हैं। उसके उसमें विरोध में हम लोगों ने ये ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास उपस्थित। किनके द्वारा आपसे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है और ठगी के आप शिकार हो रहे हैं? महाराजा कॉलेज, चूंकि हमारा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ जो भी प्रोसेसिंग शुल्क लग रहा है वो या तो महाराजा कॉलेज ले या फिर केवल नजरुल विभाग। हम दो जगह प्रोसेसिंग शुल्क दे करके ठगे जा रहे हैं। हम छोटे छोटे विक्रेता हैं, गरीब विक्रेता हैं और 3 दिन का व्यवसाय है हमारा, हमारी इतनी आमदनी नहीं रहती है। इसके बावजूद ये डबल डबल जो हमसे वसूली की जा रही है वहाँ हम ठगा महसूस करते हैं और सुविधाओं के नाम पर हमें कोई सुविधाएं ऐसी उपलब्ध मुहैया नहीं कराई जाती। इस दिवाली आपसे कितना पैसा ज्यादा लिया जा रहा है? 1500 रुपए ये महाराजा कॉलेज वालों लिया जा रहा है और 2500 रुपए तो ये नजूल का लगता ही है जो प्रतिवर्ष हम लोग निर्धारित राशि शुल्क जमा करते हैं।